फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हो चुकी है। देखो शौक चढ़ा है डाइट का, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए मैं जो अपनी वाली डाइट है वो दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए दिखा देते हैं। उसके लिए बना रही हूँ मैं आज ब्रेड पोहा। तो फ्रेंड्स ये सारी वेजिटेबल्स जो है मैंने चॉप करके अच्छे से भून ली है। अब एट लास्ट मैं ब्रेड डालूंगी मैं इसके अंदर, जब भागेश जी को खानी होगी तो ये ब्रेड पोहा जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर डाली मैंने मटर, कॉर्न, पत्ता गोभी, तीनों तरीके की शिमला मिर्च डाली है और प्याज डाला, लहसुन डाला है, टमाटर नहीं डाला। भावेश गोयल जी को टमाटर पसंद नहीं है क्योंकि। तो ये भुन चुके हैं, बस पनीर डाला है, पनीर भी है। और जब उसको खाना होगा तो उसको गैस को ऑन करके इसी के अंदर ब्रेड डाल के उसको दे दूँगी। हम ब्रेड डाल दिए मैं इसके अंदर और उसको कर दूँगी मिक्स। मैं बना रही हूँ कटहल। तो कटहल को मैंने धो लिया है, काट लिया था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो ऑयल चढ़ा दिया उसको तलने के लिए। ये देखिए ऑयल मेरा हो रहा है गरम। तो कटहल को जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये तल चुकी है, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और अब बनाएंगे इसकी सब्जी। कटहल तल चुके हैं, कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है प्लेन, और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के जो है हम कटहल को डाल के चार पांच सीटियां ले लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस पानी के अंदर जो है ये कटहल को हम डाल के सीटियां ले लेंगे। कटहल जो मेरी गल चुकी है और ये मैंने तड़का तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पे घी ले लिया है, मैंने जीरा ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये गल चुकी है मेरी अच्छे से कटहल। जी एक टमाटर और थोड़ा सा दही पीस लिया मैंने इसमें डालने के लिए, छोंक लगाने के लिए। आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग प्याज नहीं डालते इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तड़का तैयार हुआ था वो मैंने कुकर में डाल दिया, अब सीटी ले लेंगे दो चार। अगर आप इसको ड्राई खाना चाहते हैं तो पानी कम डाल सकते हैं, और लिक्विड खाना चाहें तो पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके से बनती है कटहल। पर मुझे सूखी वाली ज़्यादा पसंद है, ये मैं हल्की सी लीज बीज बनाऊंगी, ना ज़्यादा ग्रेवी ना ज़्यादा ड्राई। तो चलिए फ्रेंड्स अब उसमें सीटी लेते हैं कुकर में। तो फ्रेंड कटहल हो चुकी है मेरी बिल्कुल रेडी, बहुत ही टेस्टी बनी, मैंने थोड़ी सी खा के भी देखी है। तो फ्रेंड सब्जी बन चुकी है इवनिंग की। हिटलर हस्बैंड का पता नहीं वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। मैं बना रही अपनी चाय। शाम के 5 बज चुके हैं, 6:30, क्योंकि निकू ने डिनर करना था तो इसलिए मैंने पहले ही सब्जी तैयार कर ली, क्योंकि कटहल में बहुत टाइम लगा है। आई थिंक कम से कम 30-35 सीटियाँ लिया मैंने तब जाके कटहल को लिया, जिसमें मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई थी तब भी, क्योंकि लेती है टाइम। तो इसीलिए पहले हमने पानी में उबाल ली, क्योंकि टमाटर और दही डालने के बाद इसको गलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुनो तुम्हारा डिनर में क्या बनना है? हमारे निकू की तो कटहल बनी हुई है। अरे वो मूसी सी बनाती है ना, वो बना दियो। मूसी? अरे वो जो बनाती है सब्जियां सुब्जियां डाल के मूसी सी। सोते वेज? अरे समझ गई ना, फिर क्यों? और सोते मत बनाइयो, उठे वेज बनाइयो। मैं तो सोते ही बनाऊंगी। और मशरूम भी डाल दियो। तुम्हारे लिए उबाल के रखी है मैंने इतनी मेहनत करके मशरूम काट पीट के, और तुम्हारे 90K आ गए फॉलोवर्स इंस्टा पे। तो तुम रख लेते नाम मेरा। मुबारक। ले कप रख दूं? अरे चाय नजर नहीं आ रही तुम्हें इसके अंदर? पता नहीं है तेरी चाय कितने साल में खत्म होगी, परसों से पी रही है, इतना भर के ड्रम क्यों लेती है जो 2 दिन में खत्म ना हो। सुनो तुम निकल लो, मेरे सर पे मत बजो। छोटे कप में ले लिया अगर इतना बड़ा ड्रम लेती है। पहले ही 2 बजे आकर मिले भी नहीं जो खरीदने थे। तुम्हारी ऐसी हाय हत्या लगी मेरे कपों को। कितना दूध लगता है? एक बार में 5 किलो दूध डालती है एक ड्रम की चाय। सुबह दिखाऊंगी संजय से मैं कितना दूध लेती हूँ। चाय पत्ती लगती है। सुबह दिखाऊंगी संजय कितने से कितना दूध लेती हूँ। 5 किलो दूध। दूध पनीर खोए वाले हो गए तो 5-5 किलो दूध हमारा ही यूज करोगे? हाँ, 1 किलो दूध तुम लेने देते नाट जाते हो। दूध क्यों डालती है? हाँ, कि 1 किलो भी दूध मत ले लियो। नहीं चाय में दूध क्यों डालती है तू? बताओ फ्रेंड्स, 1 किलो दूध भी नहीं लेती मैं सुबह संजय से, और इनकी अपनी चाय में 5 किलो डाल लेती हूँ। ड्रम में 5 किलो ही डलेगा? घर में टोटल 5 किलो दूध नहीं आता जो मेरी चाय में डल जाएगा बेचारी की छोटी सी चाय में। ये कटहल, तो नकुल गोयल जी आए हैं कटहल के साथ रोटी खाने के लिए। नकुल जी को बुलाया था, मैंने कहा डिनर यहीं पे कर लो, भाभी जी अभी आई नहीं है, कल आएंगी शायद। खाना
खानी थी इसकी रात को, ओट्स की रोटी और कटहल है ना निक्कू की। ना कोई मसाला तो नहीं लग रहा, क्योंकि तेरा भी गला खराब रहता है ना। फ्रेंड्स ने कुल गोल की जीम में कटहल रोटी। ये देखो फ्रेंड्स कितना काम करना पड़ रहा है मुझे घर में, कोई करने को ध्यान नहीं था उधर। आ गया होय राम दे मैं तो। वी हैव टी टू कॉफी। अरे यार फुर्सत नहीं है तो टी टू रहे, मैं गिर भी गई ऊपर से ये उतारने। टोल्ड मी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं। वी हैव टी टू कॉफी। फास्ट, थक गई मैं तो। शट अप, गिर गई मैं। शट अप, शट अप, वी हैव टी टू कॉफी। मेरी टांग टूट गई, तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा। तो बैठने के लिए कह रहे हो इंग्लिश में शट अप। एक कवर नहीं उतारेंगे तुम लोगों से, चिमटा पकड़ाने में इतने चिलकते थे, मैं थक गई, मेरी नाक जीभ पकड़ रहे हैं। तुमने जो नजायज फायदा उठाया ना मेरी जीभ पकड़ने का। तेरी जीभ लंबी है जुबान, मैंने कहा नाक भी थोड़ी कर दूं, सूंघने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं वहां ना खड़ी होती ना तो तुम्हें बताती, तुम्हारी खिंचवाती तुम्हारी नाक। कम से कम कुत्ते की तरह तो खुशबू सूंघ ले दूर से, नाक लंबी करके। यस सर। ये देख कमरे बुक हो गए, आ गए मेरे हाथ में लेटर। मम्मी के मजे आ गए, मम्मी पार्टी तो मम्मी के। चल मैं तुझसे बात में बात, मैं रोटी बना दूँ फिर तो। गाइस अब जाएगी मम्मी, अब मैं आई हूँ, मम्मी जाएंगी सहेलियों के साथ। मेरे कमरे हो गए देखो। फिर कहते हो मेरे पति करते ही क्या है ये वो, मतलब ही नहीं है। कोई एहसान करे मुझे तो, तेरी माँ ने मेरे पे एहसान करा है, मुझे काम बताया। ये किस चीज के नाम है, वीआईपी दर्शन है तो। वीआईपी दर्शन भी हो गए आप लोगों के। नौटंकी ड्रामेबाज। कहाँ जा रहे हो बाप, जल्दी बताओ। काशी, काशी विश्वनाथ वाराणसी। डेट बता दो, 20 से लेके 20 को जाऊंगी, उससे 20 दिसंबर। कौन सी ट्रेन से आ रही हो? वंदे भारत। वंदे भारत से, वंदे भारत तो वो स्पीड में चलने वाली, वही वाली, तभी तो हम 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उसमें तुम्हें 3 टायर का क्या करना है? अरे नहीं वो लंबी कहानी है, वो छोड़ो। गौरी जी कभी जिंदगी में फोन नहीं उठाती, फोन उठा लें तो चक्कर तो लगाने पड़े हमें, दो दो आपके। अच्छा अच्छा, फोन साइलेंट पे था। मम्मी खाने में क्या है? हम तो खा चुके हैं, बार बार नहीं खा सकते, हम डाइट पे हैं। कौन डाइट पे हो? मैं ये ब्लू ब्लू का खान भी तो ढोकला है दो, कल आएगा भी ऑर्डर करेंगे। भूख, पनीर के परांठे बना दूं? हाँ देखो चैन से सोने मत दो, अभी लेती हूं बना दूं। अरे पनीर का जहाँ नाम आ जाए बताया भी मत और कर दे। अच्छा मेरे दोस्त बोलने लगे पनीर के साथ दीक्षा को कुछ भी दे दो ये सब खा लेगी, गंदा सा गंदा। सबके पति बनारसी साड़ियों की शॉपिंग के रुपए दे रहे हैं, मेरा पति टिकट के भी नहीं दे रहा। पति ने ग्रूम करा दिए, जो मैं काम करके आया हूँ उनके पति करा के दिखा दे किसी के भी। सही बात है। तो फिर उससे मेरा क्या फायदा, मेरे को साड़ी तो नहीं मिलेगी उससे। तो उन सबको बोले एक एक साड़ियाँ दिलवाए, 7 जनी है, 7 साड़ी होगी तेरी। चलो परांठे खिलाओ हाथ धो के, चलो इतने बैग भी खाली कर लेती हूँ। नहीं रहने दे, पंडित आएगा। पंडित जी आ रहे हैं? हाँ बुलाया मैंने, मुहूर्त निकलेगा। कब तक आ रहे? बस सिस्टम से 2100 रूपए लिए उसने। अरे क्यों निकाल दिया? अरे ये हमारी कोक की बोतल, बिगर मुहूर्त के मत खोल, खोलना पड़ेगा। ये बता कोक की बोतल में कितने रुपए गए होंगे? रुके नहीं, क्या हुआ ये पी बच गई, हमने बर्गर किंग वालों को दी, उन्होंने इस बोतल में डाल के दे दी हमें, कि हमने कहा पैक कर दो इसको, तो उन्होंने इस बोतल में पैक कर दी। सारी कपड़े वृत्ति के भरे पड़े हैं, थैले में पड़ गए वृत्ति के सारे कपड़े। नहीं साले इस काला बैग पकड़ाऊंगी ना, फिर वापस ले लूंगी उससे। सो गाइस ये कपड़े जो एक भी बार नहीं पहने, यानी कि आधा लग गया जो मैं लेके गई थी वो मैंने एक भी बार नहीं पहना, तो फटाफट से इसको वापस से समेटते हैं, धुलने वाले कपड़े सारे धुल्ले में डाल दिए हैं। मम्मी गर्मियों के कपड़े दे दो, ये सारे कपड़े गर्मियों के बैग दे दो, गर्मियों के कपड़े पैक कर दो। तो के खातर इतने बैग लेके जो पहने नहीं थे कपड़े, तो और मैं अपनी अटैची ऐसे कर लूंगी ना, भी काशी विश्वनाथ की सबकी मिर्च होने लग जाएगी। हमें क्या, आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, चाहे दो अटैची करो। सही बात है, संदूक ले जाओ।
सुनो, तुम्हारे को जन पचन में ऐसी गाड़ी नहीं है जो हमें ट्रेन से लेकर वहां से लेकर के गेस्ट हाउस छोड़ दे। रेल मंत्री से जानकारी है, उसको बोलता हूँ ट्रेन ही सीधा गेस्ट हाउस पे उतार देगी, तो तुम्हें गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करो फिर ऐसा कोई इंतजाम, हम लेडीज है कहाँ ढूंढेंगे, गाड़ी वाड़ी कहाँ बुक कराएंगे। कल जाता हूँ रेल भवन। जाओ फिर कराओ। फ्रेंड्स किसी की कोई नॉलेज में ऐसा कि जो हमें वहां से लेकर के हमारे गेस्ट हाउस तो छोड़ दे तो प्लीज बताना जरा। मम्मी हर जगह गाड़ी रेंट हो जाती है। मम्मी हाथ से धुलने वाले कपड़े कहाँ से कैसे डालने हैं? मैं नहाने जा रही हूँ। अभी मत ना, चाय पिए 15-20 मिनट रुक जा। और दीक्षा सुबह मेरे को चाय में चाय पीती पीती भी कहेंगे जा नहा, जब पहले नहा। अब आप सुबह यही बोलना, अभी रुक जा मैं चाय पी 15 मिनट बाद नहीं, नहीं, जब मैं कहूंगा ना नहा ले ठहरो मैं पहले चाय पी लूं, फिर हाँ। मैं क्या करूं, जा नहा फिर। तो जब मैं चाय का टाइम है चाय तो पीऊंगी, छठी चाय सुबह एक चाय पीती हूँ बस मैं, एक चाय छह बराबर होती है तेरी। जब जब भूख लगे ना डंडा दे रहे, फटाफट चाय लेके बैठ जाना, वो भी गैप और 15 मिनट का भी गैप। और बोलना आपने ही तो बोलता कि चाय के बाद नहाते नहीं है, 15 मिनट का गैप देते हैं। बाप की तरह एक पजामा ऊपर एक पजामा। अरे ये चोट की वजह से किया हुआ है, तेरे बाप का ऐसे ही रहता है, ये तो मैंने उसकी वजह से किया हुआ है। चल मेरी चाय बना के पैक करके दे, मैं जाऊं। पट्टी बांधी थी जब मैंने कहा था कभी पी ले, तेरे बैग ले तुम्हें चाय याद आ रही है। परसों तेरे काम से इंडियन ऑयल जाना है मेरे को, मेरे पैर ना लगी गोलगप्पा लग रहा है। मैंने बोला शाम के 8 या 8:30 पट्टी में भी दिख रही होगी कम हो गई है स्वेलिंग, तो अब मैं जा रही हूँ फिलहाल रितिक को बैग देने, उसमें सारा सामान रितिक है, रितिक के पास मेरे बहुत सारा सामान है वो लेने। तो चलो ये मैंने पट्टी कर ली है, सोची उसके बाद सॉक्स पहन लूँ और फिर उसके पास अच्छे से कवर करके फिर एक बार एक दो काम निपटा लूँ। काजू ले आई हूँ मैं रिति के घर से, और ये चंचदी का बैग मेरे पास आ गया, चंचदी को देना है। सारी सेम है क्या? हाँ अच्छा, मतलब फ्लेवर लाई अलग अलग? नहीं नहीं सेम ही लाई हूँ, बड़ा काजू 380 रुपये का एक पैकेट। मजा आ गया, जेन्युइनली मजा आ गया काजू खा के। 380 रुपये पहले यहाँ रखे अगर खाने हैं तो। 3,000 रुपये देके भेजा था। 3,000 पापा ने कब दिए थे वो 3,000? माँ बेटियाँ दोनों मम्मी दिए 3,000। वैसे शर्म है, कमाल की बात है, झूठ देख कितना झूठ बोलते हैं। 3,000 रुपये सच्चे लग रहे हैं खाने में तो? नहीं लग रहे, सही लग रहे खाने में। अब रिकॉर्डर लग गई तू? कभी काजू खाएगा अच्छे से डाइट के, डाइट पे दो। जैसे जैसे इंडिया का गेट वैसे पति। तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? हवा छोड़ूंगी जरूर। क्या कर रही है? पनीर मिल गया हवा, सारी डेरी है सब। आफ्टर काजू खाने के मजे, रूटीन है मेरी। शुक्र आज तूने वीडियो में तो लिया असल में मेरे को। 78 कर आई है, कितना लेके गई? 76.5 या 77 लेके गई हूँ। 2 किलो तो बड़ी ज्यादा है। अरे मेरे को तो लग रहा था 80 पार हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा था मेरा 80 पार हो जाएगा। हाँ तो वो भी हो ही जाएगा, जब दिन दूर नहीं है। जब इतना हो गया यू कैन डू इट, 80 के ऊपर यू कैन डू इट, वेरी गुड शाबाश, यू कैन डू इट। फिर टारगेट रहेगा 90। जिस प्यार से और जिस 100 लोगों की जनता के सामने मैंने डिक्लेयर किया था ना कि मेरी बेटी है, वही डिक्लेयर करूंगी मैं। दोबारा डिक्लेयर करूंगी मेरी नहीं है। फिर तो लोग अपना डिक्लेयर करने लग जाएंगे कि माँ इतनी पतली, बेटी इतनी मोटी। तो बोलने लग जाएंगे, मैं सजेस्ट करने लग जाएंगी आप क्या गलत अडॉप्शन है आपका। बताओ इसको यहाँ से पट्टी हो चुका डन पे। हिटलर जी रह गया, उन्होंने बनवाई है सोते वेज, तो बस उनको तभी दे दूंगी, वो आने वाले होंगे। और नकुल गोयल का भी डिनर हो गया, मेरा भी हो गया, भाविश का भी हो गया, सब ने कर लिया डिनर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए चलिए चलिए।